क्वेश्चन 9, x प्लस x बाय 2 प्लस x बाय 3 लेस देन 11। x प्लस x बाय 2 प्लस x बाय 3 लेस देन 11। इसमें देखिए फ्रैक्शंस में x अपॉन 1 है, x अपॉन 2 है और x अपॉन 3 है, फ्रैक्शंस है तो इनका डिनोमिनेटर सेम कीजिए। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इनका एलसीएम जो आएगा वो 6 आएगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से 6x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा लेस देन 11। ये हो गया 11x अपॉन 6 लेस देन 11 एंड दिस गिव्स यू x लेस देन 6, ये आ जाएगा। ओके अब x लेस देन 6 आ रहा है और मैंने कहा था कि वैसे तो इसमें क्वेश्चन भी आई थिंक दिया हुआ है, रियल नंबर्स दिए हुए हैं, तो इसका जो सोल्यूशन आएगा सोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आएगा माइनस इन्फिनिटी से 6, दोनों ओपन इंटरवल, ग्राफ आपसे पूछा नहीं है। यस एनीवन एल्स विद एनी अदर डिफिकल्टी? सिक्स स्टूडेंट्स है, मॉनिटर्स प्लीज नोट डाउन कीजिएगा। यस एनीवन एल्स विथ एनी अदर डिफिकल्टी? शुड आई प्रोसीड फर्दर? ओके तो फिर आप लोग एक काम कीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कीजिए। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12 और कोई भी आंसर देगा नहीं, जैसे हो जाए आप यहां पे लिख दीजिएगा डन। ये क्या लिखा है? अनिष्का बेटा ये क्या लिखा हुआ है? वन बाय टू थ्री एक्स बाय फाइव प्लस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू वन बाय थ्री एक्स माइनस सिक्स। यस इसे सॉल्व कीजिए, जिसका हो जाए आंसर कोई नहीं बताएगा, सिर्फ आप लिख दीजिए डन सर। गुड वन टू थ्री फोर फाइव इट्स क्वाइट इजी, जैसे आप नॉर्मल मोटिवेशन करते हो वैसे ही करो। ब्रैकेट के लिए वन बाय थ्री है, इसका मतलब ब्रैकेट के लिए डिनोमिनेटर थ्री है, ब्रैकेट के लिए बाहर वन बाय टू है मतलब ब्रैकेट के लिए डिनोमिनेटर टू है। ओके बेटा मेरे स्क्रीन ब्लर होने से कुछ नहीं है, ट्वेल्थ क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, टेक्स्ट बुक यदि आपके पास है तो आप वहां से सॉल्व कर सकते हो। टू इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, थ्री इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू गेट थ्री हेलो जी कहिए। कोई नहीं आप ईमेल आईडी चेंज करके फिर कर सकते हो, चेंज द ईमेल आईडी।
थ्री। ओके इसका आंसर क्या है बताइए। एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 120। सेम आ रहा आंसर। यस आंसर। एक्स ग्रेटर इक्वल टू 120 लिखा था कि एक्स लेस देन इक्वल टू 120। इससे पहले जिसने भी आंसर दिया उसने एक्स ग्रेटर इक्वल टू 120 लिखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस प्लीज, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे, आंसर ये है या आंसर ये है? व्हाट इज आंसर, ए और बी? एक्स ग्रेटर इक्वल टू 120 आ रहा है या एक्स लेस देन इक्वल टू 120 आ रहा है? तो आयुषी आपने जो आंसर लिखा था वो तो ये लिखा था आपने, एक्स ग्रेटर इक्वल टू 120। ए और बी, ए और बी में से क्या आएगा, इन दोनों में से क्या है? ए और बी में से क्या आंसर है वो बताइए। फिर यहां पे किसी ने कंफ्यूजन क्रिएट किया है। बी मतलब ये आंसर है। एनीवन एल्स विद द डिफरेंट आंसर और एनीवन एल्स हु इज नॉट गेटिंग हाउ टू सॉल्व इट? आंसर ये आ रहा है, ठीक है। एनीवन एल्स विद द डिफरेंट आंसर और एनीवन एल्स हु इज नॉट गेटिंग हाउ टू सॉल्व इट? देखिए डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज मैं फिर डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाऊं, देन देर इज नो नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। यस एनीवन हैविंग एनी डाउट? ओके ठीक है, तो फिर मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन आपको दिया है 37 माइनस 3x प्लस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 9x माइनस 8 इंटू 3 इंटू एक्स माइनस 3। सॉल्व दिस और जिसका हो जाए डन सर लिख दीजिए, यस सर लिख दीजिए, देन वी विल सी। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में अभी भी यदि किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, नहीं है तो क्वेश्चन 14 पे जाइए। चलिए एक आंसर आ गया, डन सर। आंसर तो हम बाद में देख लेते हैं, ठीक है। ओके क्वेश्चन 14 का आंसर बताइए। ओपन एट माइनस इनफिनिटी क्लोज एट 2, इसका मतलब आप लोगों का आंसर ये आ रहा है एक्स लेस देन और इक्वल टू 2।
यार आंसर। टू इज ग्रेटर इक्वल टू टू। दोनों साइड टू कैसे आएगा, एक साइड एक्स आएगा ग्रीन पे। अब ये बताइए किसी को डाउट, ओके टू इज ग्रेटर इक्वल टू एक्स सही है। प्रतीक आपका आंसर नहीं आया, ओके एनीवन एल्स। ठीक है सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले ये 8 है ना, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए लेकिन माइनस साइन को रहने दीजिएगा। यू गेट 37 माइनस, या फिर आप ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए। डू वन थिंग, ओपन द ब्रैकेट, यू गेट 37 माइनस 3x माइनस 5 ग्रेटर इक्वल टू 9x माइनस 8x प्लस 24। ओके यू गेट दिस, ये 37 माइनस साइन है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस 3x माइनस 5 मिलेगा ग्रेटर इक्वल टू, ये 9x है, ये माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 8x आ गया और माइनस 8 इंटू माइनस 3 प्लस 24 हो जाएगा। ओके 37 माइनस 5 गिव्स यू 32 माइनस 3x दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 9x माइनस 8 ऑफ x गिव्स यू x प्लस 24। इस 24 को इधर लेके जाइए और 3x को उधर लेके जाइए। ओके दिस गिव्स यू 32 माइनस 24 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स प्लस 3x आ जाएगा। 3x जो यहाँ पे नेगेटिव है उधर आके पॉजिटिव हो जाएगा और 24 जो इधर पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। 32 माइनस 24 गिव्स यू 8, 8 ग्रेटर इक्वल टू 4x आ गया। दैट इज इसे हम 4x लेस देन इक्वल टू 8 कर सकते हैं, x लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा एंड देयरफॉर सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन हो जाएगा फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू 2। ओके सॉल्व द 16th क्वेश्चन। सॉल्व द 16th क्वेश्चन, इट्स अगेन वेरी इजी और अगर हो जाए तो फिर लिख दीजिए डन सर। इसमें किसी को कोई डाउट है 14th वाले में? ओके सॉल्व द 16th क्वेश्चन एंड अगर हो जाता है तो लिख दीजिए डन। गुड यू आर हैविंग दिस 2x माइनस 1 अपॉन 3 ग्रेटर इक्वल टू 3x माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2 माइनस x अपॉन 5 जिनका हो गया बहुत अच्छी बात है। यस एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? कोई है जिसे नहीं आ रहा है?
ओके टेल मी द आंसर. टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स. अच्छा वही आंसर आ रहा है जो इससे पहले था. सेम आ रहा आंसर. एक्स लेस देन इक्वल टू टू. आंसर सेम आ रहा है. Anyone who is getting different answer, anyone who is not getting the answer, facing difficulty or doubt. हाँ आयुष कहिए क्या डाउट है. आंसर नहीं आया. ओके सी इसमें थ्री फोर और फाइव दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले आप क्या करो थ्री फोर और फाइव का एलसीएम ले लो. थ्री फोर फाइव ए सब आपस में को प्राइम है. को प्राइम मीन्स जिनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन रहता है. ठीक है तो आप सबसे पहले तो इनका एलसीएम ले लो. थ्री फोर और फाइव का एलसीएम लोगे तो 60 आएगा. ओके तो आप क्या करो सबसे बेस्ट है मल्टीप्लाई थ्रोड में 60 कर दो. इससे डिनोमिनेटर का झंझट जो है वो खत्म हो जाएगा. यहाँ 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 20 मिलेगा. 20 टू एक्स माइनस वन. ओके वाई यहाँ पे 60 आप मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड बाय 3 हो जाएगा 20. ग्रेटर इक्वल टू यहाँ 20 मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आ जाएगा एंड यू गेट 3x माइनस 2. और यहाँ 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 12 मिलेगा. माइनस 12 यू गेट 2 माइनस एक्स. ओके दिस गिव्स यू 40x माइनस 20. 20 इंटू टू ओके दैट गिव्स यू 40. 40x माइनस 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 इंटू 3 यह आएगा 45x माइनस 30 एंड माइनस 12 इंटू 2 माइनस 24 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 12x. यू गेट दिस. ओके इस 40x को आप उस साइड लेके जाइए. सारे x के टर्म्स वहां कलेक्ट कीजिए. जो टर्म्स विदाउट x है उन्हें आप इधर लेके आइए. ओके तो ये आपका माइनस 20 है जो एज इट इज था. ये 30 और 24 दोनों नेगेटिव है. इस साइड आएंगे तो ये हो गया 54. देखिए ये दोनों नेगेटिव है. 30 और 24 दोनों नेगेटिव है तो आपस में ऐड हो गए. आपस में ऐड हो गए 54 हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा 54 लेकिन नेगेटिव साइन के साथ. तो जब ये इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. ओके ग्रेटर इक्वल टू ये 45 और ये 12 ये मिला के हो गए 57x. ओके और ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है माइनस 40x. 54 माइनस 20 करोगे दैट गिव्स यू 34 ग्रेटर एंड इक्वल टू 57 माइनस 40 दैट गिव्स यू 17x. दैट इज 17x दिस इज लेस देन इक्वल टू 34. दिस गिव्स यू x लेस देन इक्वल टू 34 बाय 17 एंड दैट गिव्स यू x लेस देन और इक्वल टू 2. देखिए बेटा स्क्रीन विजिबल नहीं होना ये सीधा सीधा एक नेटवर्क इशू है. ठीक है इस केस में सिर्फ एक ही बात हो सकती है जो मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि मैं इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूं. ठीक है यस यू गेट दिस. नाउ एनी डाउट इन दिस. किसी और बच्चे को कोई डाउट. आप में से कितने बच्चे हैं जो वाईफाई यूज करते हैं. इनमें से कितने हैं जो वाईफाई मोबाइल पे यूज करते हैं. अगर आप वाईफाई मोबाइल पे यूज करते हो ना तो सबसे बेस्ट आप क्या किया करो पता है. सबसे पहले मोबाइल को ना फ्लाइट मोड पे लिया करो. ओके टेक द मोबाइल ऑन फ्लाइट मोड. और फ्लाइट मोड पे लेने के बाद आप वाईफाई ऑन करके क्लास किया करो. ठीक है उसमें आपको इतना बता देता हूँ कि नेटवर्क कनेक्टिविटी आपको बहुत अच्छी मिलेगी. क्योंकि बहुत बार ऐसा क्या होता है फ्लाइट मोड अगर आप नहीं यूज करते हो सिर्फ वाईफाई रहता है
तो इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सिम की जो कनेक्शन है ना वो उसे थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करके रहती है। और इस बीच में यदि कोई कॉल आ गया, आप नोटिस कर सकते हो कंटिन्यूस मुझे कॉल आ रहे हैं इस वक्त, ठीक है, आज पता नहीं क्या हुआ है, कंटिन्यूस कॉल आ रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कॉल आने की वजह से क्या हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है। हालांकि मैं जहां से यूज कर रहा हूँ इस वक्त नेट, वो अलग मोबाइल है, उसका सिम भी अलग है, मैं उसमें यूज कर रहा हूँ, और मुझे जो कॉल आ रहा है वो अलग मोबाइल है, वो अलग सिम है, ठीक है। यस, एनी डाउट इन दिस? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, आपके जो क्वेश्चन है 17, 18, 19, 20, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है। ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने ये सॉल्व किए हुए, ठीक है। द ओनली थिंग इज कि आपको इनमें इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसमें आप सॉल्व करो 19 एंड 20 क्वेश्चन, 19 एंड 20, 17, 18 आपका होमवर्क रहेगा। ट्राई द 19th वन। अब 19th में आपको दिया है 3 × 1 − x < 2 × x + 4। डन, वेरी गुड, लेस देन 2 × x + 4। आप ये और 20 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक। दिस इज द इजिएस्ट वन, आई थिंक इजी है। इसका आंसर बताइए क्या आ रहा है। x greater than minus 1, सेम आ रहा आंसर। इसमें लेस देन माइनस 1 है, माइनस 1 लेस देन x मींस x greater than minus 1। तो नाउ एक ऑप्शन ये है x greater than minus 1, और एक ऑप्शन ये है x लेस देन माइनस 1। ए बी, इन दोनों में से कौन सा आंसर आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, दिस और दिस। आयुष का ए आ रहा है, यस। व्हाट अबाउट रिमेनिंग? जेड आ रहा है, ए, ओके। ए कोई ऐसा है जिसका आंसर बी आ रहा है? बी आ रहा है आंसर, ओके। सो लेट्स सी, दिस इज 3 − 3x < 2x + 8। इसे आप उधर लेके जाइए और 8 को इधर लेके आइए, यू गेट 3 − 8 > 2x + 3x आ जाएगा। 3 − 8 − 5 हो जाएगा, −5 < 5x आएगा, एंड दैट गिव्स यू x > −1, मतलब आंसर ए आएगा। दैट इज 5x > −5, x > −1, ये आंसर आएगा, ठीक है। इसका सोल्यूशन, सोल्यूशन x > −1 दिया हुआ है, मतलब सोल्यूशन आएगा −1 से ∞। इज इट करेक्ट? यस, इज इट करेक्ट? फिर इसका ग्राफ, इसके ग्राफ में एक नंबर लाइन बना दीजिए, बीच में कहीं कट करके सर्कल दे दीजिएगा,
ठीक है, जहां सर्कल दिया उसे माइनस वन दे दीजिए, क्लोज इंटरवल है इसलिए सर्कल को शेड नहीं करेंगे। अब शेडिंग किस तरफ जाएगा, इस तरफ या इस तरफ, ए साइड और बी साइड, यस शेडिंग आपका राइट साइड मतलब बी साइड जाएगा, इस तरफ आपको शेड करना है। ठीक है, तो इसे आप शेड कर दीजिए, इसे इन शॉर्ट आपको थोड़ा सा डार्क कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है, इसे डार्क कर दीजिए, दैट इज योर आंसर। ओके, देन सॉल्व द 21, सॉल्व द 20 वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। डन, वेरी गुड, x बाय 2 ग्रेटर इक्वल टू 5x माइनस 2 अपॉन 3, माइनस 7x माइनस 3 अपॉन 5। एक बार फिर आपको क्या करना है, 2, 3, 5 इन का एलसीएम लेना है। ठीक है, ये बताइए किस किस का हो गया, वन टू थ्री फोर, कुछ बच्चों ने पहले भी लिखा था, डन। ओके, आंसर बताइए, माइनस 23 बाय 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 23 बाय 8, आप ये कहना चाहते हो, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2 बाय 7, डिफरेंट आंसर, लेट्स सॉल्व इट, डिफरेंट आंसर तो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप थ्रोड एलसीएम ले लीजिए 30, ओके, 2, 3 और 5 डिफरेंट नंबर्स है, सारे प्राइम है। ठीक है, तो यहाँ पे 38 आ रहा है, एक जगह 23 आ रहा था, एक जगह 7 आ रहा है, एक जगह 38 आ रहा है, लेट्स सॉल्व इट। ओके, 2, 3 और 5 इनका एलसीएम आएगा, सो मल्टीप्लाई थ्रोड में 30, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय 30, अब 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 15x ग्रेटर इक्वल टू, यहाँ 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 5x माइनस 2 माइनस, यहाँ 6 आ जाएगा, यू गेट 7x माइनस 3, ये आ गया 15x ग्रेटर इक्वल टू, ये हो गया 50x माइनस 20 और ये हो गया माइनस 42x प्लस 18, यू गेट दिस, ये 15x है, ये 10 5 का 50 हो गया, 50x 10 2 का 20 माइनस 20 एंड माइनस 16 टू 7 माइनस 42x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, x के टर्म आप ये टर्म उधर लेके जाइए, ये 20 और ये 18 इसे इधर लेके आइए, जब आप 20 और 18 दोनों इस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ आप नोटिस कर सकते हो 20 नेगेटिव है, 18 पॉजिटिव है, कहाँ पे साइन चेंज करेंगे, ये आसमा माइक ऑन करो, यहां पे आप ये स्टेप पे बोल रहे हो ना, नहीं नहीं आप ये स्टेप पे बोल रहे हो ना, साइन क्यों चेंज हुई, साइन चेंज नहीं हुई है बेटा, साइन चेंज नहीं हुई है, एलएचएस आरएचएस कर दिया, आरएचएस एलएचएस कर दिया, बस वही है, मतलब एक तरीका होता है लिखने का ये a लेस देन b, ठीक है, तो उसे a लेस देन b ना लिख के हमने b ग्रेटर देन a लिखा हुआ है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, साइन चेंज नहीं हुई है, सिर्फ क्या हुआ है,
जो आरएचएस था ना उसे हमने एलएचएस बना दिया है, जो एलएचएस था उसे आरएचएस बना दिया है, ठीक है, और कुछ नहीं। इज दिस क्लियर? ओके, यहाँ -20 और +18 है तो ये -2 हो जाएगा, -2 जब इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे 50 -42 करेंगे तो 8x आएगा, यू गेट 8x, ओके, और ये -15x आ रहा है, दिस गिव्स यू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, -15 करोगे तो -7x आएगा, ओके, यहाँ तक क्लियर? अब यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे हम लोग माइनस साइन अप्लाई करेंगे, ठीक है, माइनस साइन अप्लाई करेंगे, डैट इज ये आएगा -2 लेस देन और इक्वल टू 7x, ठीक है, हमने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, आप यहां कह सकते हो मल्टीप्लाइंग बाय -1, जब माइनस साइन अप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाती है, इस केस में हमने माइनस साइन अप्लाई नहीं की थी, इस केस में हम माइनस साइन अप्लाई कर रहे हैं, तो जब माइनस साइन अप्लाई करेंगे तो ये 2 का -2 हो गया और ये -7x का 7x हो जाएगा और साइन चेंज हो जाएगी, डेट इज -2/7 लेस देन इक्वल टू x आ गया, डेट इज ऐसे लिखने वाला ऐसे लिख सकता है x ग्रेटर इक्वल टू -2/7। यस, एनी डाउट इन दिस? तो आंसर ये आ रहा है x ग्रेटर इक्वल टू -2/7। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। नाउ एक्स ग्रेटर इक्वल टू -2/7 आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन सेट जो आएगा वो रहेगा ये -2/7 इन्फिनिटी, -2/7 जो है यहां पे क्लोज जाएगा क्योंकि एक्स ग्रेटर इक्वल टू -2/7 है और ओपन डेट इंफिनिटी। अब जहां तक इसके ग्राफ की बात है, ग्राफ मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ग्राफ ऐसा ही आएगा जैसा ये ड्रॉ किया हुआ है, एक पॉइंट आपको लेना है, वो पॉइंट आपका -2/7 आएगा और क्योंकि ग्रेटर इक्वल टू था इसलिए इसे आप क्या कर दोगे, इसे भी आप शेड कर दोगे, आप चाहो तो इसके आगे और पॉइंट दिखा सकते हो, जैसे -2/7 है यहां पे आप दिखा सकते हो 0 है, यहां पे आप दिखा सकते हो 1 है, यहां पे आप दिखा सकते हो कि -1 है, ओके, यस, एनी डाउट इन दिस? इस वक्त ये जो ग्राफ ड्रॉ किया गया इसका है, इसका ग्राफ मैंने मिटा दिया, एनी डाउट? अगर है तो पूछिए। हाँ यस, नहीं इस साइड जाएगा ना, -2/7 से इंफिनिटी पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ना, तो ये -2/7 लेफ्ट साइड पे रहता है, फिर 0 आता है और राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, -2/7 से राइट साइड जाएगा ना, जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस जो हम ड्रॉ करते हैं तो एक्स एक्सिस ऐसे ड्रॉ होता है, इस तरफ नेगेटिव नंबर रहते हैं, इस तरफ पॉजिटिव रहता है, इस तरफ आपका माइनस इन्फिनिटी रहेगा और उस तरफ इन्फिनिटी रहेगा। कहिए, जी कहिए, टेक्सटबुक में सही है, किसी और को कोई डाउट? यस, किसी और को कोई डाउट? 6.2 प्रॉब्लम नंबर, बुक में वैसे ही दिया हुआ है बेटा, ओके, तो प्रोसीडिंग फर्दर वी कम टू सेम प्रॉब्लम्स बट गिवन इन वर्ड फॉर्म। ओके, आपको प्रॉब्लम्स जो है वो वर्ड फॉर्म में दिए हुए हैं, मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम जनरली मैं होमवर्क देता हूँ, ठीक है, ये जज करने के लिए कि आपका खुद का इंग्लिश लैंग्वेज कितना अच्छा है।
आप कितना अच्छा प्रॉब्लम्स को समझ सकते हो। ठीक है, अब इसमें फिलहाल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एक ही प्रॉब्लम ले रहा हूँ, वो है 25th। आई एम टेकिंग द 25th प्रॉब्लम, बाकी प्रॉब्लम्स आप लोग ट्राई करोगे। इसमें यदि कोई डाउट आता है तो हम उसे कल देखेंगे। ठीक है, सी द 25th, 25th क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड। ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 3 sides हैं, जो शॉर्टेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड उसका ट्रिपल है, एंड द थर्ड साइड, जो रिमेनिंग साइड है, थर्ड साइड इज 2 centimeter shorter than the longest। जो थर्ड साइड है इट इज 2 centimeter shorter than the longest side। ओके, If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, find the minimum length of the shortest side। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम shortest side को x consider करेंगे। 25th question, let the shortest side is x centimeter। shortest side x centimeter consider करेंगे, तो जो longest side है, therefore longest side ये कितना हो जाएगा, थ्री एक्स, क्योंकि longest side के लिए कहा हुआ है कि longest side जो है it is 3 times the shortest side। okay, तो shortest side हमने x consider किया, longest side 3x आ गया। third side this is, third side के लिए क्या दिया है, third side is 2 centimeter shorter than the longest side। तो longest side हमारा 3x है, इससे 2 centimeter short कर दीजिए। ठीक है, ये है perimeter is at least 61 centimeter। perimeter के लिए कहा है कि at least 61 centimeter है। अब देखिए, शॉर्टेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड, थर्ड साइड, ये है पेरीमीटर। शॉर्टेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड और थर्ड साइड, ये हो गया पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है पूरा बाउंड्री, मतलब तीनों साइड्स का एडिशन। इट इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके लिए कहा है कि 61 है। अब यहां पे एक साइन आएगी, अगर हम ये कहते पेरीमीटर इज 61, तो यहां तो सीधे सीधे इसका मतलब इज इक्वल टू होता है। ठीक है, अब यहां एटलीस्ट दिया है, तो एटलीस्ट का मतलब क्या होगा, पेरीमीटर इज एटलीस्ट 61, इसका मतलब क्या होगा, यहां पे साइन कौन सा आएगा, ये वाला साइन आएगा इसे मैं ऑप्शन ए देता हूं, और ये आएगा इसे मैं ऑप्शन बी देता हूं। यस, व्हाट विल द आंसर, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, पेरीमीटर इज एटलीस्ट 61। यहां कुछ आंसर्स ए आ रहे हैं, अभी तक बी कोई भी ऑप्शन आया नहीं है। किसी को लगता है कि बी आंसर आ सकता है, ओके, पेरीमीटर इज एटलीस्ट 61, एटलीस्ट का होता है कम से कम, मतलब पेरीमीटर कम से कम 61 है, कम से कम 61 है, मतलब 61 तो है ही है, लेकिन उससे ज्यादा हो सकता है, तो ये पेरीमीटर है, ये या तो 61 है या फिर इससे ज्यादा हो सकता है। वी गेट दिस, ओके, पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, इट इज एटलीस्ट 61, एटलीस्ट मतलब कम से कम 61 है, कम से कम मतलब ये पेरीमीटर जो है ये 61 हो सकता है या उससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन उससे कम नहीं होगा, सो विल गेट दिस। ओके, ये हो गया वर्ड प्रॉब्लम। इसको, इसमें किसी को कोई डाउट, अब इसे आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करना सिंपल है, यू गेट एक्स प्लस 3x 4x प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू 61 है, 2 उधर लेके जाइए, 4 प्लस 3 आपका हो जाएगा 7x,
it is greater than or equal to 63, and therefore x it is greater than or equal to 9, ये आएगा, okay? अब आपका जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था, फाइंड द मिनिमम लेंथ, मिनिमम मतलब कम से कम, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, ओके, देयरफॉर मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज 9 सेंटीमीटर, कम से कम जो लेंथ हो सकती है उसकी वो 9 सेंटीमीटर है, ठीक है? यस, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? ओके, सो टाइम टू कंक्लूड टुडेज क्लास.